हेलो गाइस वेलकम टू डीएसएल क्लासेस हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का रिकैप करने वाले हैं आज ये कंटेंट्स हैं हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सी ने रिवाइज्ड सिलेबस में इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है पी स्केल स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पी इन एवरीडे लाइफ स्टडी करेंगे और हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं ये कॉमन सॉल्ट हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पैरिस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड बेसिस के बारे में एसिड्स उन सबस्टाउंस को बोलते हैं बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो सोर होते हैं और बेसिस उन सब को बोलते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड सोप इन टच होते हैं लेकिन सारे ही सबस्टांसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते इसलिए एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं एसिड्स हमें एच प्लस आयन रिलीज करते हैं वाटर में और बेसिस जो हैं हमारे हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच माइनस आयन रिलीज करते हैं नाउ इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग एसिड एंड बेसिस को टेस्ट करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं इंडिकेटर्स ऐसे सब्स्टांस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं तो हमारे दो इंडिकेटर्स हैं नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के लिए टर्मरिक येलो कलर टर्मरिक आपको देता है एसिडिक सब्सटेंस के लिए और डीप ग्रीन कलर देता है बेसिक सब्सटेंस के लिए तो आप यहाँ से टर्मरिक की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस को ये बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फेलिन मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का इंडिकेटर है रेड कलर ये हमको देता है एसिडिक सब्सटेंस के लिए और येलो कलर हम ग्लो को देता है बेसिक सब्सटेंस के लिए कलर यहाँ से आपको मेन याद रखने हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ मूव करते हैं फिनॉल्फेलिन फिनॉल्फेलिन दूसरा इंडिकेटर है कलरलेस होता है ये और ऐसी एसिडिक सब्सटेंस में स्टिल कोई चेंज नहीं होता कलर लेस ही रहता है लेकिन बेसिक सब्सटेंस में ही अपना कलर चेंज करता है और हमको पिंकिश कलर देता है इसके बाद ही एन सी आर टी में एक टर्म मैंशन है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यहाँ पर आपको ये समझना होगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है ऑल फैक्ट्री इज द वर्ड दैट मीन्स ऑर्डर इन साइंस स्मेल इसका मतलब है यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं अनियन इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्लव ऑयल लौंग का तेल इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है तो यहाँ से आप इनको ध्यान रखेंगे इंडिकेटर्स को आगे हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसिड रिएक्ट विद मेटल जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर वो उसी मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग हम लोगों को याद रखनी है लेबोरेटरी में हम लोग करते हैं और अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं आप उनको देखें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और शेयर करें तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं पॉप साउंड से हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करते हैं यानी कि जब हम लोग बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक को लेकर आते हैं टेस्ट ट्यूब के पास तो वो पॉप साउंड से हमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है नेक्स्ट एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी मेटल कार्बोनेट के साथ है मेटल कार्बोनेट एक वेरी कॉमन मेटल कार्बोनेट याद रखो एन ए टू सी ओ थ्री नाम इसका सोडियम कार्बोनेट है कॉमन एसिड ही लो एच सी एल जब हम एच सी एल के साथ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा वाटर बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा यहाँ पर गैस चेंज हो गई ना यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई तो यहाँ फिर से ये पूछा जाता है कि वॉट इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत सिंपल फिजिकल टेस्ट है ब्रिस्कैफर वेसेंस और दूसरा जो केमिकल टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ये कि लाइम वाटर को ही मिल्की बना देता है ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे लाइम वाटर क्या होता है तो लाइम वाटर कुछ नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग लाइम वाटर कहते हैं और जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट कराते हैं तो ये वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस से मिल्की बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट इसको आप लाइम या मार्बल भी कहते हैं उसके बाद एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ यहाँ पर एक ये रिएक्शन भी आ सकती है कि एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी सेम प्रोडक्ट हम लोगों के लिए बनाता है नाउ नेक्स्ट एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्वेश्चन आता है मेटल ऑक्साइड के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है क्योंकि मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं आप इसको नोट कर लें मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं क्योंकि ये बेसिक होते हैं इसीलिए ये क्या करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं इसीलिए एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जब ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वेरी सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बन गया वाटर रिलीज हो गया अनदर दिस इज वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर एसिड रिएक्ट विद बेस जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं कई बार ये इजी सी टर्म भी हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है एच सी एल प्लस एन एच इट गिव्स एन ए सी एल एंड एच टू ओ यहाँ पर हम लोग अब स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जैसे हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ ऐसे ही हमारा बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सेम ही मेटल लिया है जिंक और जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ पर ये यह हमारे को सोडियम जिंकेट एक सबस्टांस बनाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीब है ना तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पर ये सोडियम जिंकेट बना रहा है और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है इसकी टेस्टिंग मैंने आपको बता दी है तो टेस्टिंग इसकी यही है कि ये पॉप साउंड से टेस्ट हो जाती है अब बेसिस जो है ये मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता इसका रीज़न बहुत सॉलिड है क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई नेचर में बेसिक होते हैं और बेस बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करता इसीलिए बेस जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप इसको नोट कर लें नेचर में एसिडिक होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसीलिए वो बेस के साथ रिएक्ट करके अगेन सॉल्ट और वाटर बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड सी तो जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन H2O रिलीज करता है वाटर रिलीज करता है अगेन दिस इज अ न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कुछ ऐसे बेस हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं जिनको हम अल्काइल्स बोलते हैं इट मीन के सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं है बिल्कुल करेक्ट बात है उनको हम एलकाइल कहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एन एच सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एलकाइल है और जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो एन ए प्लस आयन अलग हो जाते हैं और OH हाइड्रोनियम आयन जो है एसिड्स रिलीज करते हैं वाटर में अब हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है या कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसको हम पी स्केल भी बोलते हैं जहाँ हम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को मेज़र करते हैं तो अगर हमारे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पी वैल्यू लेस होती है और वो एसिडिक होते हैं मोर एसिडिक होते हैं जितनी पी वैल्यू लेस होगी उतना ही वो एसिडिक होंगे और अगर हमारे हाइड्रोजन आयन कम हो और हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो तो वो नेचर में बेसिक होते हैं यहाँ से यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी कई बार क्वेश्चन फाइव मार्क्स में आया हुआ है हमने जो हम जो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज डालेंगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर सॉल्ट्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक सॉल्ट है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है और आप इसको प्लीज बहुत ध्यान से समझ लेंगे सॉल्ट पढ़ने का सबसे सिंपल मेथड यही है हर सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखिए उसका नेम याद रखिए प्रिपरेशन और एटलीस्ट उसके टू यूजेज याद रखिए फर्स्ट सॉल्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं फॉर्मूला एन है प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है एन सोडियम क्लोराइड नमक का घुला हुआ पानी है नमक के घुले हुए पानी को हम ब्राइन कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े लोग जब उनसे पूछा जाता है कि ब्राइन क्या होता है लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि ब्राइन कहते हैं एक्व सोल्यूशन ऑफ वाटर को जब एक्व सोल्यूशन ऑफ वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये कॉस्टिक सोडा बनाता है और यहाँ पर दो गैसेस लिबरेट होती हैं जो आप नोट करेंगे क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस एनोड पर डिपॉजिट होती है और हाइड्रोजन गैस केथोड पर डिपॉजिट होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करी है तो यहाँ पर दो रॉड होंगी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो ये भी याद रखना है एनोड पर कौन सी गैस डिपॉजिट होती है और कैथोड पर कौन सी गैस डिपॉजिट होती है अब एक सर ने वर्ड लिखा है क्लोर एलकाइल प्रोसेस ये क्लोर एलकाइल प्रोसेस क्या है भाई इसी प्रोसेस को हम क्लोर एलकाइल प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन बन रहा है क्लोर के लिए और एलकाइल बन रहा है बेसिस के लिए जो सॉल्युबल है वाटर के लिए अभी बताया था एन ऐसा बेस है जो वाटर में सॉल्युबल है यूजेस क्या है इसके बहुत सिंपल यूजेस हैं सोप्स डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पर नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मूला याद रखिएगा सी ए ओ कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है शायद अब ये नाम आपने सुना होगा कॉटन इंडस्ट्री में वॉशिंग क्लोथ्स में हम इसको यूज करते हैं प्रिपरेशन इसकी सिंपल है क्लोरीन गैस की अगर आप रिएक्शन कराते हैं ड्राई स्लेकेड लाइम के साथ तो आपको वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर ऑप्टेन हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ तो ये सी ए ओ सी एल टू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है यूजेज लिखे हुए हैं मैंने कॉटन और लिनन इंडस्ट्री लिनन भी एक तरीके का क्लोथ है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसको साफ़ करने के लिए पोन्ट्स में एक्वेरियम में पानी को साफ़ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा भाई किचन वाली बात आ गई अब सबके चेहरे खिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है यूज इन मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा किसको अच्छे नहीं लगते सभी को बहुत अच्छे लगते हैं हाँ तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा भी सॉल्ट है जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं इसका नाम है बेकिंग सोडा रसोई में आपको सबको इजीली मिल जाता है भटूरों को फुलाने में अक्सर आप इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है और फॉर्मूला इसका एन थ्री है और इसकी प्रिपरेशन आप लोग याद रखेंगे प्रिपरेशन इसकी ये है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा एन ए एच सी ओ थ्री बनता है जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं माइल्ड कॉरोसिव बेस है ये बेसिक है इसका नेचर और अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं हीट करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में जो बेकरीज होती हैं ब्रेड केक को फ्लफ़ी स्पॉन्जी बनाने के लिए पेस्ट्रीज़ को स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड है जो जनरली पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है बेकिंग सोडा में अगर हम टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर देते हैं खाने वाला एसिड है ये उसको खा सकते हैं माइल्ड एडिबल है तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा तो बेकिंग सोडा में जब हम टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है उसके बाद इसके दो यूजेज हैं ये याद रखना है एंटासिड न्यूट्रलाइज करता है हमारे एक्सेस एसिड को स्टमक में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कभी भी एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड का यूज कर सकते हैं सोडा एसिड फायर एस्टिंग आग बुझाने वाले जितने भी सिलेंडर्स होते हैं उन सभी में हम इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडा का उसके बाद आ जाते हैं वॉशिंग सोडा पर भाई खाने की बात हो गई अब जरा कुछ कपड़े वपड़े धोने की भी बात हो जाए तो डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एक्शन में हम जिस सोडा का यूज़ करते हैं जिस सॉल्ट का यूज़ करते हैं उसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं और इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप परेशान मत होइएगा हम आपको बता देंगे Na2CO3.10H2 इसका फॉर्मूला है नाम इसका सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको हम वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें किसी भी सॉल्ट के साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं प्रिपरेशन कैसे है इसकी प्रिपरेशन है इसकी सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं यहाँ पर देखो रिएक्शन लिखी हुई है Na2CO3 को जब हम टेन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एस टू बनाता है और इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं या इसको हम सोडियम कार्बोनेट डैकाहाइड्रेट इतना बड़ा नाम है लेकिन आप याद रखिए इंपॉर्टेंट है इसके यूजेज याद रखेंगे ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक परपज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पर इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी अवेयर हैं भैया आसपास आपके सभी की किसी ना किसी की हड्डी जरूर ब्रेक हुई होगी तो डॉक्टर ने उसको सपोर्ट करने के लिए एक सॉल्ट का यूज किया जो हम पढ़ रहे हैं अब जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कॉमन नेम है लेकिन हमसे आई नेम पूछा जाएगा तो इसका आई नेम है कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट फॉर्मूला है सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ये फॉर्मूलाज केमिकल नेम आई यू नेम आप लोग जरूर याद रखेंगे और अगर आपको याद नहीं है तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं और फिर इनको याद कर सकते हैं प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी प्रिपरेशन इसकी होती है जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 सेवेंटी पर अब ये जिप्सम क्या होता है जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास है जिसको हम हीट करेंगे 373 सेवनटी पर तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा इसीलिए देखो यहाँ पर एक लाइन मैंशन है पी ओ पी शुड कंटेन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम पी ओ पी को यूज़ करते हैं रखते हैं इसको और इसका यूज डॉक्टर्स करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए टॉयज़ बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं सरफेस को स्मूथ बनाने और डेकोरेशन में इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ हमारे चैप्टर का रिकैप कंप्लीट हो गया यहाँ पर देखिए अन अकेडमी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है आप लोगों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है फाइव स्टार प्रोजेक्ट अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है जिसमें आप अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ घर में हैं आप लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ते पढ़ते भी आप लोग बोर हो गए हैं तो आप लोग इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं और आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम भी कर सकते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी स्किल को इन्हांस भी कर सकते हैं इसमें ये आपका ट्वेंटी सेकेंड नवम्बर को है नाइन ए एम टाइम आप लोग प्लीज़ टाइम एंड डेट नोट करें और आप इसको मिस ना करें बहुत अच्छे पर्सनालिटीज़ के साथ आपका एक सेशन होने वाला है आप इसको जरूर अटेंड करें इस फाइव स्टार प्रोजेक्ट को पोएट्री रोबोटिक्स बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको इनहेंस करने के लिए एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है और हम भी आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहेंगे आपका रिस्पॉन्स हमें ऐसा ही मिलता रहे और आप चैनल्स को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और शेयर करें